कटरा शहर में लोगों के बीच खुलेआम घूम रहे आवारा घोड़े, लोग हो रहे परेशान। प्रशासन का क्यों नहीं है इस पर ध्यान? आखिर कब होगा परमानेंट समाधान? माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में आवारा घूम रहे घोड़ों से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां एक तरफ शहर के बीचों बीच आवारा घूम रहे घोड़ों से जाम की समस्या व दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में गंदगी भी फैलती है। घोड़ों द्वारा टांग मारने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। शहर के बीचों बीच आवारा घूम रहे घोड़ों व अन्य जानवरों से कटरा में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं के जहन में शहर की क्या इमेज बनती होगी, यह भी एक सोचने का विषय है। लोगों की मांग है कि इन घोड़ों के मालिकों को, जो इन्हें शहर में खुला छोड़ देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और कटरा में जल्द से जल्द कैटल प्लांट का निर्माण किया जाए ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। इस मार्फत जब एमसी कटरा के प्रेसिडेंट बिमल इंदु गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि यह एक समस्या है। उन्होंने कहा कि एमसी कटरा द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिसका कार्य प्रतिदिन इन घोड़ों को शहर से बाहर निकालना होता है। उन्होंने कहा कि डीसी रियासी और एसडीएम कटरा को कैटल प्लांट के लिए जमीन मुहैया करवाने के लिए लिखा गया है। जमीन मिलने के बाद ही कैटल प्लांट बनाया जा सकेगा, उसके बाद ही इस समस्या का स्थायी हल निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अंचित शर्मा की रिपोर्ट।